तारीख है 6 अप्रैल, बात है साल 1989 की। उस दौरान एक राजनेता की प्रमुख भूमिका के चलते देश में जनता दल की सरकार बनी। लोकसभा में महज 10 प्रतिनिधि भेजने वाले वह राजनेता अकेले नेता थे जिनसे देश राजनीति प्रभावित थी। यही वजह है कि सर्वसम्मति से उस राजनेता को प्रधानमंत्री बनाने की बात रखी गई, लेकिन उन्होंने खुद ही पद को स्वीकार करने से मना कर दिया। उस दौरान चुनावी प्रक्रिया के बाद वीपी सिंह और उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था कि उस राजनेता ने वीपी सिंह से वादा किया था कि प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा। हालांकि चुनाव के बाद परिणाम आए और उस राजनेता को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया, लेकिन बड़ी ही नाटकीयता से उन्होंने बैठक में कहा कि उनकी जगह वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। यह राजनेता कोई और नहीं, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा के जन्मदाता चौधरी देवीलाल थे। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ। उनके पिता का नाम चौधरी लेखराम था और उनकी मां का नाम श्रीमती सुनगा देवी। उनका विवाह श्रीमती हरकी देवी से हुआ। चौधरी देवीलाल ने अपनी शिक्षा 10वीं तक ही ग्रहण की। पढ़ाई छोड़ने के बाद साल 1938 में चौधरी देवीलाल ने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। चौधरी देवीलाल ने लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में एक सच्चे सेवक के रूप में भाग लिया और फिर 1930 में आर्य समाज नेता स्वामी केशव नंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदी, जिसके परिणाम स्वरूप नमक की पुड़िया खरीदने पर चौधरी देवीलाल को स्कूल से निकाल दिया गया। इस घटना से प्रभावित होकर वे स्वाधीनता संघर्ष से जुड़ गए और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवीलाल जी ने देश और प्रदेश में चलाए गए जन आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके लिए उनको कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। चौधरी देवीलाल में बचपन से ही संघर्ष का जोश कूट कूट के भरा था। फलस्वरूप बचपन में उन्होंने जहां अपने स्कूली जीवन में मुजारों के बच्चों के साथ रहकर नायक की भूमिका निभाई, जिसके साथ साथ ही महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और भगत सिंह के जीवन से प्रेरित होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर राष्ट्रीय सोच का परिचय भी दिया। संयुक्त पंजाब के समय हरियाणा, जो उस समय पंजाब का हिस्सा था, विकास के मामले में उससे भारी भेदभाव हो रहा था। उन्होंने उस भेदभाव को मिटाने के लिए न सिर्फ पार्टी मंच पर मुद्दा उठाया बल्कि विधानसभा से भी आंकड़ों के साथ बात रखी है और हरियाणा के अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1966 को अलग हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया और प्रदेश के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले चौधरी देवीलाल को हरियाणा के निर्माता के रूप में जाना जाने लगा। जिसके बाद चौधरी देवीलाल ने साल 1987 से 1989 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जन कल्याणकारी नीतियों माध्यम से पूरे देश को एक नई राह दिखाई। इन्हीं नीतियों को बाद में अन्य राज्यों और केंद्र ने भी अपनाया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री भारतीय राजनीतिक इतिहास का न्याय नया आयाम स्थापित किया गया। वे ताउम्र देश और जनता की सेवा करते रहे और किसानों के मसीहा के रूप में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं चौधरी देवीलाल जी की आज ही के दिन यानी 6 अप्रैल साल 2001 को मृत्यु हो गई। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 6 अप्रैल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1996 में पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का एंथस में उद्घाटन हुआ था। वहीं साल 1917 में पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। साल 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था। आज ही के दिन साल 1931 में बंगाल की मधुबाला नाम से मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन का जन्म हुआ था। वहीं साल 1942 में जापानी लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारत पर बम गिराए थे। साल 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने पाक जलडमरू मध्य तैरकर पार किया था। आज ही के दिन साल 2009 में इटली में आए 6.3 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए
एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।